फील आ रहा है बिकॉज ऑनेस्टली लाइक आई वॉज टेलिंग निकी एंड आई वॉज टेलिंग दिस ऑन द शो एज वेल, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं था बट जितना भी टाइम मैं था निकी वॉज वेरी स्वीट टू मी. जबकि मैं बाहर से जब देख कर गया था तो आई वॉज लाइक इससे झगड़ा पक्का होगा, बट शी वॉज द फर्स्ट वन एक्चुअली. जब मुझे सजा दी गई थी कि खाना बनाओ, निकी वॉज द फर्स्ट वन टू कम एंड हेल्प मी आउट. सो आई रियलाइज आई सॉ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ हर जो निकी खुद दिखाने में डरती थी, दैट यू नो बीनीथ ऑल दैट ड्रामा शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल. लवली, अमेजिंग, रिफ्रेशिंग, आई लव्ड इट. आई लव हिम क्योंकि जब वो घर पे आए थे तो सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग ही गार्डन एरिया में बात कर रहे थे. बाथरूम एरिया. यस, बाथरूम एरिया. और गार्डन में भी हम लोग बैठे थे रात को. सो ही इज अमेजिंग पर्सन ऑफ कोर्स. शार्दुल ना सबकी एक्टिंग करता था, तब वो मेरी भी एक्टिंग कर के उसने मेरी एक्टिंग करके दिखाई और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया बाहर. उसके बाद मेरी उनके साथ किचन ड्यूटी थी, हालांकि वो एक दिन के लिए हमने करी बट इट वॉज गुड एंड आई फील proud also to be with him, to be his friend. He is a very sweet guy and I like to be with him. आगे भी हम दोस्त रहेंगे. Sweet guy से याद आया एक और इंसान हमें इस वक्त कॉल कर रहा है जो जो बहुत स्वीट है एंड उनका नाम है जान कुमार सानू एंड he was calling us but I think network issue or else we can't connect with him. मुझे निकी का पैशन जो है ना गेम के लिए और ऑनेस्टी वो बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज निकी ने कभी ये ओवर कमिट नहीं किया कि आई एम गोइंग टू बी द नाइसेस्ट पर्सन या मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त रहूँगी या नहीं रहूँगी. निकी मुझसे फालतू में झगड़ा भी कहता किसी और के कहने पे बट मुझे उसके पीछे की हमेशा एक चीज़ और एक वजह दिखती थी कि निकी वॉज वेरी क्लियर कि मैं गेम के लिए करूँ. आई थिंक फिनाले के पहले निकी ने बोला भी था ऑन कैमरा, जैसे रूबीना ने जब ये बात कही थी कि यू नो निकी इज़ अ डिफरेंट पर्सन, विच आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू एवरीबॉडी कि ये जो अंदर है वो रियल निकी नहीं है, वो काफ़ी लोगों ने बोला था. शी इज़ वेरी स्वीट, पता नहीं वो गेम के लिए ये सब क्यों कर रही है, वाई इज बीन शी सो हार्श ऑन पीपल, बट वो गेम के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वो साइड दिखानी ज़रूरी लगी क्योंकि यू कॉन्ट बी स्वीट एवरी टाइम एंड आई वॉज नॉट पॉपुलर हियर. यहाँ पे लोग आए थे जो सीरियल से काम करके आए थे, काफ़ी लोग दोस्त भी थे, और अगर मैं हमेशा स्वीट स्वीट साइड दिखाती, अपना स्टैंड नहीं लेती जैसी मैं हूँ, सी मतलब मैं वैसी ही हूँ बट एट द सेम टाइम ये चीज़ मैंने नहीं दिखाई घर के अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट और केयरिंग हूँ. बट शी इज बिकॉज यू नो एक हमारा टास्क हो रहा था जब मैं नया नया आया था, वो टास्क ये था कि बैग्स खींचने थे सबको एक दूसरे से और मैं एक रिक्शा पे था और निकी मेरे पास आई थी बैग खींचने के लिए एंड शी आस्क्ड मी कि आप किसको सपोर्ट करोगे, मुझे या पवित्रा को. तो आई सेड मैं पवित्रा को सपोर्ट करूंगा, सच बोल रहा हूँ. तो शी सेड मुझे ये बात अच्छी लगी कि आप सच बोल रहे हो और अपने दोस्त का साथ दे रहे हो एंड शी लेफ्ट इट एंड शी वेंट अवे फ्रॉम देयर. एक्चुअली मैं और निकी अंदर घर में जितने कनेक्ट नहीं होते, आई थिंक नाउ वी विल कनेक्ट बिकॉज एक ऐसी चीज होती कई बार दैट यू नो बिग बॉस के घर में आपको लगता है कि ये दोस्ती रहेगी दोस्ती नहीं टिकेगी बट द रियल थिंग हैपेंस आउटसाइड. Outside, since she's come out, we met like twice and thrice. And so now, yesterday only, I was telling Naina and Jan also that, you know, I messaged Jan last night. I said, ladki hai badi sweet. Pata nahi tha pehle. I was trying that today, but Jan ka aaj hi single release hua hai, so he couldn't make it. But I'm sure if Nikki doesn't sign films next week, we'll try and do that. अरे sign करने के बाद भी आऊँगी यार, आप दोस्त रहोगे. Nikki यार, yeah, so yeah, we will try and get Nikki and Jan together also. But why can't Nikki and me be together? तुम्हारा शुरू हो गया. नहीं तो होस्ट ही बना के रह जाओ, मैं दोस्त नहीं बन सकता. बिल्कुल भी नहीं, ही इज वेरी जेन्युइन, ही इज वेरी 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 स्वीट. क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम बिग बॉस में नहीं रहने को मिला, इसलिए वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए. बट वैसे ही इज वेरी स्ट्रांग मेंटली, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर उसको ज़्यादा टाइम मिलता तो वो दिखा सकता था कि वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है. ये बहुत ज़रूरी होता है जो भी बिग बॉस में आता है, मुझे लगता है अगर एक हफ्ते में चले जाता है तो उनको वो मौका नहीं मिलता जो वो
करने आते हैं बिग बॉस में, हम अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आते हैं, बट वो चले गए क्योंकि शायद से उनके मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, और जैसे सलमान सर ने कहा था रुबीना और शार्दुल के वोट्स में बहुत कम अंतर था, तो मुझे नहीं लगता अगर वो ज़्यादा दिन रहते तो मुझे लगता है वो फिनाले तक पहुँचते। रिग्रेट हाँ भी और ना भी, पर छोटे से वोट का अंतर किस में? द विनर ऑफ BB14 उनके वोट्स में और बाकी सभी के वोट्स में डिफरेंस था, तभी वो आज विनर हैं। तो मैं जब बाहर भी आया था उस दिन, यू नो ट्विटर पर लोग ट्रेंड कर रहे थे कि अच्छा शार्दुल रुबीना में जरा से वोट्स का फर्क है, मैंने कहा मुझे रुबीना बहुत पसंद है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद हर। इनफैक्ट जब आप किसी तगड़े से हार के बाहर निकलो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देखिए उस हफ्ते ऐसा हुआ था कि सिर्फ मैं और रुबीना नॉमिनेटेड थे, अगर कोई तीसरा भी होता तो चांस होता, बट मुझे पता था चांस ही नहीं था, बिकॉज एक तरफ इतनी सुंदर रुबीना दिल, एक तरफ मैं दाढ़ी वाला। उस दिन क्या पता शायद से जान भी नॉमिनेट होता, लेकिन मैंने अपनी मम्मी की ब्लैंकेट फाड़ दिया। या एक्चुअली निकी ने मुझे नहीं बचाया एट द एंड, मुझे अगर निकी ने जान की ब्लैंकेट नहीं फाड़ी होती तो जान भी हो जाता और शायद हमारे चांस होते जान मारेगा बाद में मुझे, बट क्यों, हम तभी हम लोग दोस्त ही थे ना। या आई नो दैट, क्या पता अगर आप मेरे दोस्त होते तो मैं शायद से, पर मैं बन सकता था, वो जान पहले आ गया था, तो उसने सर सीट रिजर्व करके वो रुमाल रख देते लोग ट्रेन में कि इधर दोस्त हम भी बनेंगे, तो जान बात नहीं करने देता हम लोग, कई बार हमारी बात भी होती कि निकी मुझे बोला कि और वो हमेशा आता था बीच में, हम लोग उसको उसके ऊपर चढ़े भी थे क्या हर बार, तो बीच में एक बार निकी ने मुझे बोला कि तुम मुझसे बात नहीं करते, मैंने कहा आई एम सॉरी, मतलब मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात करेंगे, तो हमने ड्यूटी साथ में ली कि अब हम लंच अभी भी जान आ रहा है, हम बर्तन धोते थे थोड़ी गॉसिप कर लेंगे और बातचीत करेंगे, पर जान नहीं बैठने देता था हमको साथ में। निकी तंबोली का वो साइड हमने अभी निकी के साथ ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं, आई डिडंट वांट टू गो लाइव बिकॉज आई वांट पीपल टू नो कि कब निकी का शो रेडियो पे, डिजिटल पे और हर प्लेटफॉर्म पे लाइव जाएगा, क्योंकि बहुत फैंस इसके, तो वो मुझे मारते बाद में कि आपने ऐसे ही लाइव कर दिया, तो वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप सुन और देख दोनों पाएंगे, ऐसे ये दिखेगा भी सुनेगा भी। निकी की स्वीट साइड मैं ज़रूर लोगों को दिखाना चाहता था, बिकॉज निकी इज़ फेमस फॉर यू नो हर क्रेजीनेस, हर ड्रामा, हर एंटरटेनमेंट, बट शी इज़ एक्चुअली अ गुड फ्रेंड एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो व्हिच यू विल कम टू नो इन द शो। आवर फ्रेंडशिप विल बी वेरी जेन्युइन, इसमें बिल्कुल भी फेकनेस नहीं है, क्योंकि अभी गेम नहीं है, और गेम के लिए भी मैंने कभी फेक दोस्ती बनाई नहीं, क्योंकि मेरी और शार्दुल की अंदर दोस्ती नहीं हो पाई, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम बहुत अच्छे दोस्त बन पाएंगे, क्योंकि ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, और मैं अपने लाइफ में मैं उन्हीं लोगों को एंटर करने देती हूँ जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो। मैंने अली को बर्थडे विश किया था, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी माई मैसेज एंड ही वॉज आस्किंग मी फॉर अ गिफ्ट, मैंने कहा ऑफकोर्स गिफ्ट मिलेगा लेकिन मुझे रिटर्न गिफ्ट ज़रूर चाहिए। Jasmine, I'm sorry. यार इट्स फाइन, I'm just kidding. पर ये वाला मजाक तो हम लोग अंदर भी करते थे जब अली आया था, तो मैं निकी को ऐसे देख देख के बहुत देर तक हंसता रहता था, निकी भी हंस रही होती थी, बिकॉज सी इफ यू डोंट डू ऑल ऑफ दैट ना, तब बहुत बोरिंग हो जाती है। नो नॉट ओनली बोरिंग बट यू नो वॉट, इट शुड बी जेन्युइन, ऐसा नहीं है आप सिर्फ शो के लिए इसको उसको पसंद करें, नो आई जेन्युइनली यूज टू लाइक अली, और वो बहुत अगेन स्वीट है, जेन्युइन है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, सबको मतलब सब लोग अली को पसंद करते, उसका जैसा नेचर है सबको ऐसा लगता था, मुझे अली पहले फेक लगता था, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया उसको, उसके हरकतें, देन आई केम टू नो ही इज़ वेरी फनिंग लविंग पर्सन, और वो जैसा है वो बस शो के लिए नहीं है, वो बाहर भी ऐसे ही हैपनिंग है। क्या हुआ था सब क्रू मेंबर्स से हम मिले थे,
तो उसने उसका मास्क निकाला, तो आई वाज लाइक यार यू आर अ गुड लुकिंग गाय, तुम कंटेस्टेंट तुम्हें अंदर होना चाहिए था, हां अब बाहर क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बस इतना कहा था यू आर अ गुड लुकिंग गाय बस, और कुछ नहीं यार, नॉट क्रश एंड ऑल, मतलब मुझे उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना पसंद है जो अच्छे दिखते जैसे कि शार्दुल है, लेकिन मुझे ये आदमी कौन है मुझे जानना है, तो इंटरव्यू के बाद मुझे भी जानना है, रुको जरा भाई आप जो भी हो कांटेक्ट कर लो, दीदी को पसंद आ गया मैं जान लूं नहीं, तो मुझे ना उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा लगता है जो जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, जिनका ह्यूमर अच्छा हो, जो फनी हो, जो अच्छे दिखते हो, तो मुझे पसंद है उनको बोलना, कॉम्प्लीमेंट देना बेसिकली मुझे पसंद है, तो ये उन्होंने उनका मास्क निकाला और मैंने पहली बार अलग नया चेहरा देखा यार, सो आई वाज लाइक यू लुक गुड, तुम्हारा ऐसा था कि तुमने मास्क उतारा तुमसे मुझे कोरोना भी चलेगा जस्ट किडिंग ओह गॉड हां या फर्स्ट आई थिंक लेडीज फर्स्ट, सो आई थिंक ठीक है, तो मैं मेरे फैन से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे नए दोस्त शार्दुल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो उनका एंटरटेन साइड और उनकी पर्सनालिटी बिग बॉस में नहीं दिखा पाए, बट वो ज़रूर आगे भी दिखाएंगे बिकॉज ही हैज़ लॉट ऑफ टैलेंट, वो दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और मेरे तरफ से मेरे फैंस को ढेर सारा प्यार, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, सपोर्ट किया है, मैं चाहती हूँ इसी तरह से आप मुझे आगे भी लाइफ में प्यार और प्यार और सपोर्ट करते रहना, मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार and lots of hug. So all I want to say is first of all मैं हमेशा से एक बात कहता आया था कि मैं उतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, आई वॉज वर्किंग ऑलवेज, आई वॉज एन एक्टर, आई वॉज अ होस्ट, बट आई वॉज नॉट लाइक फेम नहीं मिली थी, तो आई ऑलवेज यूज द वर्ड सपोर्टर्स रादर देन फैंस. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दैट विदाउट एनी यू नो बिग stint in Big Boss, yeah, without any big PR or without any this thing, people supported the niceness that I had, and uske liye bahut bahut thank you. The response is amazing for the show Abhi Tak Na Chhod. The response is because aisa kabhi nahi hua ki koi radio show launch hua aur subah koi joke subah 7 baje se raat ko 9:30 baje tak live tha. तो ऐसा we've created history after that also, and after that जो मेरे friends हैं they've been really supportive because you know what we are doing is हम radio को जैसे पहले radio करते हैं कि अब आप ये सुन रहे हैं अब आप वो सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत real चीज़ें कर रहे हैं, बहुत real बातें कर रहे हैं. If I don't like about a trailer I say that, if I like an actor I say that, तो ये first step है, let's see where it goes, hopefully one day there's a big dance reality show in which Nikki is dancing and I'm hosting is what I am gunning at. You will host a very big show because yeah. you are a very hard working guy. ये मैंने देखा है. अरे thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.